किससे ज्यादा बता ले, अपनी माँ से बताएगा, अपने बाप के खिलाफ आवाज उठाएगा। मैंने कहा था तू किसी से नहीं बताना वरना पुलिस पकड़ ले जाएगी। साहब के बच्चे सपोले, उठा लियो फोन अपने बाप को डसने के लिए, आज मैं साले तेरा पानी काट कर फेंक दूंगा। ये मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया, ये मैंने क्या किया। ए संजू, ए संजू, अरे एक बार बोल दे संजू, संजू। ये बात तो किसी से बताना नहीं, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए तुझे काटना पड़ा, इसलिए तुझे मारना पड़ा। या भगवान, या भगवान, मेरे संजू की आत्मा को शांति देना, मेरे संजू की आत्मा को शांति देना। भीमा, यहां किसी की नजर पड़ जाए, लेने के देने में पड़ जाओ, निकल ले यहां से, भाग भीमा भाग।
हमें
दयाल चाचा। अपनी मर्च नहीं बोलेगा एक बार बोल दे, बस एक बार अपनी मर्च बोल संजय। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं भी तुझसे नहीं बोलूंगी ए संजू। एक बार बोल दे मेरे के लिए, और आज तूने मेरे बच्चे की जान ले ली इसी कंजर से। कसम है मुझे संजू की, आज मैं इसी कंजर से तेरा गला काटूंगी भाग कमीने। अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं, अब मैं आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पापी सुहाग, अरे मधु, तूने से खंजर से मेरे बच्चे की गला काटा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे मारेगी? हाँ तुझे मारूंगी। अरे मैं तेरा सुहाग हूँ, मैं तेरा पति हूँ, अरे तेरी मांग में जो सिंदूर है मैं हूँ, तेरे माथे पे जो बिंदिया है मैं हूँ। सच कह रहा है तू, मैं तेरे मेरे माथे का बिंदी है तू, तो ये ले छुड़ा दे बिंदी मैंने, और पोछ दिया सिंदूर, जल उठा सिंदूर पापी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और तू ये क्या करती है? अब मैं तेरी पति ले रही और ना तू मेरा पति रहा। और पापी है, और पापी का दया के वो है मौत।
बोल्छौनी ये तुझे मॉडल है जी भाग सीधे थाने की ओर भाग सीधे थाने की ओर भाग नमस्कार साहब कहाँ चले पागल हो गई है ये पागल हो चुकी है साले साले बहुत तारीफ की साले कैसे साला अंडू खसी बता रहा है क्या बात बजाओ पवाल हो अरे सब ये मेरी पत्नी है पत्नी है ये सब पागल हो गई है पागल हो गई है इसने अपने भाई को मार दिया हाँ अपने बेटे को मार दिया हाँ अब ये सब मुझे मार डालेगी मुझे क्यों तू तो खून कर डाले जिसके हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए उसके हाथ में नहीं क्यों मेरे हाथ में लगी है साहब मैंने कुछ नहीं किया इस पापी सुहाग ने रुपयों के लिए मेरे भाई को मार डाला मेरे मुंडे को कंधे से काट डाला साहब ये पापी है मैं छोड़ूंगी साहब क्या बोल क्या बात सच बता सच बता अब सच बता दूंगा मुझे बचा लो सच बता एक बार मेरा साला आया बड़ा वाला तो वो बैंक में नौकर है फिर क्या बैंक मैनेजर है तो वो 5 लाख रुपया हमारे घर को लेकर आया अरे और सब मुझे लालच आ गया मैंने उसे गोली मार दी 5 लाख हाँ साहब उसे मार डाला हाँ साहब और अचानक कहीं से मेरा बेटा आ गया उसने कहा ये बात मैं गांव में बताऊंगा अपनी माँ से बताऊंगा हमने कहा बेटा बताना नहीं वरना मुझे पुलिस आ जाएगी पकड़ ले जाएगी मेरी जेल हो जाएगी फांसी हो जाएगी उसने नहीं माना फिर सोहम मेरे गुस्सा हो गयो और मैंने उसको तो खून कर रहे साले अब तुम नहीं बचोगे तुम्हारा फांसी हो जाएगा तुम सारे उम्र कैद हो जाओगे क्या ए होगा ठहरो 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 सब कुछ पैसे को ले कितना देगा रे सब ले लेना 2-3 हजार भीख मांगते हैं अरे साहब मुझे बचा लो मैं दे दूंगा जितना चाहोगे उतना दे दूंगा हवलदार साहब से मिला दो भीमा सुन मेरी बात हाँ साहब
पांच लाख कमा मिला। हाँ साहब पांच लाख। दो दो खून किए तूने। हाँ साहब। कम से कम दो लाख बहुत ज्यादा। दे दूंगा साहब दे दूंगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा साहब। बिल्कुल बच जाओगे, लेकिन देखो कुछ हम करेंगे कुछ तुम करो। मुझे क्या करना पड़ेगा साहब? करना ही पड़ेगा। हाँ साहब। मैंने सुना है तुम औरतों को मारने में बहुत माहिर। अरे साहब, औरतों को मारने में मैं बहुत बड़ा माहिर नहीं, मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ। मर्द यही तो मैं सोचता हूँ। देखो इसको मारते मारते पागल बना दिया। हाँ साहब। हम लोग इस सैली को पागल खाने में बंद कर दे, रफा दफा कुछ नहीं होगा। मैं बच जाऊंगा साहब। बिल्कुल बच जाऊंगा। अरे साहब फिर आप लोग एक साइड में हो जाइए। आओ महारानी, मेरे पापा उठा लिया खंजर और बन गई झांसी की रानी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू पापी है? हाँ मैं पापी हूँ। तू हत्यारा है? हाँ मैं हत्यारा हूँ। तू मेरे संजू का कातिल है? हाँ मैं तेरे संजू का कातिल हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे मारेगी साल। साल। साले, अरे सर फाड़ दिया। अरे साहब मर जाएगी। गुस्सा साहब, गुस्सा आ गया। ये मर जाएगी तो? अरे तीन तीन खून लग गए तेरे ऊपर। रुको साहब देखता हूँ। देख मैं कौन हूँ? प्रधान जी आप? अरे प्रधान जी कहती है, ये कौन है? ये तो मेरा पति है। अरे ये तो सचमुच में पागल हो गई साहब, ये पागल हो गई। यही तो मैं चाहता था। ठीक हुआ। देखो शुक्ला जी मेरी बात सुनो, इसे बांध कर ले चलो। अब तुम्हें पति बता रहे हैं, आसानी से चली जाएगी। क्या तुझे क्यों ले लेना 40-50? क्या रे तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तो मैं चार दुनिया का जो कहता हूँ उसे कर पहले हो जाएगा। चल पैसा पुलिस वाले का दे रहो, गांड मराए रहो। शुक्ला जी इससे ले चल, सबको मैं निपट लूंगा। चल लगा हाथ खड़ी। नहीं मैं, मुझे बांधो मत, इधर आओ। शुक्ला जी इसको लेकर आओ, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है देखो इधर आओ, देखो मुझे भूख लगी है। हम खाना खिलाएंगे? नहीं वो खाना नहीं, प्यार वाला खाना। तो एक तो दिमाग नहीं चलिए गए है, और कहो इनके लगे हम चले गए तो कहो काट वाट किया खाए बौरान दे। इधर आओ। मचले मो Thank you.
मुझे बांध रहे हो। मर गए तो साले तुम्हारी नाश हो जाए। काट खाएं पूरा बखौड़ा भर ले। बतरीज उसके पास क्यों जाता है? हथकड़ी पकड़ कर ढरचेटते हुए लेता कौन? अरे उसके पास में देवे तो कैसे बंध पाए? बंधी तो है, बंधी जब बंधता है तो हपकती है। अनीता अब अनीता कुछ मजा ले। चल मुझे दुखता है, बोल लग रहा है। चलो खाना खिलाएंगे। खाना दोगे? हाँ हाँ चलो चलो चलो। क्या बात है? मधु नाम की लड़की के ऊपर जुल्म बहुत हुआ है, इसलिए उसको पागल करार करके थाने में बंद कर दिया। थाने में बंद कर दिया मधु नाम की लड़की? हाँ सरदार जी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग थाने चलते हैं और देखते हैं कौन सी मधु है। ठीक है। शुक्ला जी उस साली को बंद कर दिया? इसे तो बंद कर दिया पागल खाने में। बहुत अच्छा किया साहब, बहुत। अरे गाली बहुत देती है साली वो। अब तेरे इंजेक्शन लगेंगे। लगेंगे पहले दे दे क्योंकि पागल है ना। अगर तू बौरा गया तब तो तुमका हम पागल कह गया। पीछे पीछे हटो ना। हाथी हाथी नाव का हाथी के तो काट पीछे तो हाथी से कम भी नहीं है। अनीता जी। हाँ सर। तो कौन आ रहा है गेट पर देख? ठोकरा था इतनी देर से, कौन है तू? अरे हमारा नाम धर्मु है। धर्मु और चौकीदार धर्मु का साहब इससे कोई रिलेशन नहीं तेरा? नहीं 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 जान पहचान है। अरे ये जब बाजार हाट आते जाते तो मुलाकात हो जाती है। अच्छा अच्छा क्यों आया यहाँ थाने में? साहब हमने सुना कोई वो क्या कहते हैं मधु नाम की लड़की आपके थाने में। हाँ वो पागल है, मुलाकात करने के लिए। अरे उससे कोई नहीं मिल सकता है। अरे उसने इसे काट लिया भैया। बाप रे पांच लगे तो बाकी है। अच्छा अच्छा देखो उससे कोई नहीं मिल सकता है। बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुलाकात कर लूँ उसके बाद में जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ए धर्मुआ इसको निकालो, मिल नहीं सकता इससे। ये रिश्तेदार है उनके। ओ साहब बेचारा इतनी दूर चल के आया है, अब मिलाई तो कराई दे। देखो शुक्ला जी तुम्हें मिलाना तो मिला लो। ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे मिलाई में पांच मिनट लगता है साहब। पांच मिनट का मौका है। ए अनीता कुमारी लेकर आओ। धर्मु देखो यही लड़की है। हाँ यही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। बाबूजी मधु ये लोग मुझे बांध के रखते हैं, बहुत दुखता है और तो और बहुत मारते हैं, खाना भी नहीं देते हैं।
भूख लगी है मेरे। क्या कर रहे? क्या हो गया तुझे मधु? पहचानती है मुझे? मैं भगवान, ये लोग मुझे खाना नहीं देते और मारते हैं। क्या हो गया इसे? ऐसा तो नहीं कहीं इसकी याददाश्त चली गई हो मधु? ए मधु, मुझे खाना खिलाओगे? भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। खाना खाएगी? हाँ मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे खाना ला के दूंगा, मेरे साथ चलेगी? खाना खिलाओगे? हाँ खाना खिलाऊंगा तुझे, कपड़े भी अच्छे अच्छे लाऊंगा। चलोगी? हाँ मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है। साहब 5 मिनट कहा था अभी तो। अरे मुझे कानून से कहा था, चले आते निकल। चुपचाप खड़े रहो, हथियार को हाथ नहीं लगाना, वरना तुम्हारे सत्कारी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं इसे मारना मत भाई, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। चलो इस लड़की के हाथ के हथकड़ी खोलो, चल करो। और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक हम तुम्हारी गोलियों के रंग से बाहर नहीं निकल जाते हैं, कोई हथियार को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है निकल जाओ, निकल जाओ। हमारी जान बचाई थी और आज, अरे आज इसे कुछ नहीं याद किए। कौन है?